पक्ष राजनीति उन सबसे बहुत दूर। मेरा ये मानना है कि जब हम लोग इंटर करके यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों से माँ बाप की एक जिम्मेदारियां उम्मीदें बढ़ जाती हैं और सबके चाहे वो किसी भी विंग का हो किसी भी तरफ झुका रहता उनका परिवार, लेकिन एक बेसिकली उनका मुद्दा होता है कि हमारा लड़का पढ़ लिख कर कुछ करे और हमारी जिम्मेदारी उठाए बुढ़ापे की लाठी बने। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो रोजगार होता है छात्रों के जीवन में, क्योंकि उनको समाज में सम्मान मिलेगा, परिवार में सम्मान मिलेगा, बीवी से प्यार मिलेगा, बहन का प्यार मिलेगा, तो सबके पीछे कहन के उनका रोजगार होता है, उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति होती है। तो छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। क्या नाम आपका? योगेश प्रताप सिंह। अब योगेश ये बताइए, जैसे आप लोग बोलते हैं रोजगार, और गोरखपुर विश्वविद्यालय उन चुनिंदा कैंपस में से एक है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कई बड़े चेहरे दिए, उत्तर प्रदेश की सियासत को समय समय पर अपने हिसाब से एक नई दिशा और नई ऊर्जा भी दी है। तो एक ऐसे विश्वविद्यालय कैंपस में जब रोजगार की बात युवा करते हैं, क्या रोजगार का घूम फिर के मतलब, और ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है, क्या रोजगार का घूम फिर के मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होता है क्या? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जो लोग ये कहते हैं रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होता है, वो भी कहीं ना कहीं अपना दमा सरकारी नौकरी वाला ही खोजते हैं। जब दूसरे के बेटों को नौकरी चाहिए तब उनको लाजी देंगे, पकौड़ी तलिए, आप टिकिया लगाइए, फुल्की बेचिए। आप ये बताइए, अगर कोई लड़का टिकिया दुकान खोला हुआ है, क्या सरकार ने उसको बेसन दिया है, उसको तेल का पैसा दिया है? आप क्या मदद कर रहे हैं? हम ढोलक बजा रहे हैं तो उसका आपने पैसा दिया है? आपने अपने तरफ से क्या प्रयास किया? आप यह भी बताइए। हम कहना चलिए आप सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि आपने रोजगार के कितने अवसर पैदा किए, आपने बच्चों के इंटर्नशिप के लिए क्या किया? आज आप जाके चले जाइए मैक्सिमम कोचिंगों में, चाहे महिंद्रा कोचिंग हो, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, वहां पे जो लड़के बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे आपको बीटेक वाले मिलेंगे, एमबीए के बच्चे मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ आपने सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया, लेकिन जिनके पास तकनीकी जानकारी थी, जो टेक्निकली मजबूत थे, आपने उनको कहाँ स्थापित कर दिया? आप बताइए कि इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों का आज क्या स्थिति है? पहले इंजीनियरिंग करने जो लड़का इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू करता था उसकी शादी तय हो जाती थी, लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, आज स्थिति क्या है? इंजीनियरिंग करके लड़का जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, गीडा में जाके काम कर रहा है 7,000 रुपए में, आप क्या मान सम्मान दे रहे हैं? रोजगार का मतलब सीधा स्पष्ट होता है कि यदि आप काम करने के इच्छुक हो, काम करने की आपके अंदर क्षमता हो, और प्रचलित मजदूरी पे अगर आपको रोजगार मिल रहा है तो आप रोजगार में हैं। आप बताइए प्रचलित मजदूरी पर रोजगार पा रहे हैं लड़के? आज लड़के बीटेक किया हुआ लड़का, बीएड किया हुआ लड़का सड़कों पर घूम रहा है, और जो लोग आज ये बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तमाम ऐसे लोग थे जिनकी शादियां नहीं हो रही थी। तेजस्वी यादव ने जो 5 लाख भर्तियां कराई बिहार सरकार में, हमारे जानने वाले हमारे हॉस्टल में तमाम ऐसे सीनियर थे 35-35 साल के हो चुके थे, जब वो नौकरी पाए तब उनकी शादी हुई। आप क्या दर्द जानेंगे उन लोगों का? बहुत बढ़िया, वाजिब तरीके से कई सारे मुद्दों को समझा। एक चीज और समझाइए कि एक चीज हम लोगों ने देखी और आप लोगों ने भी शायद अपने सीनियरों के जरिए अपने आसपास में देखी होंगी, तमाम चुनाव बीते, चुनावों में युवा मुद्दे की बात बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन कई बार ये लगता है कि जिस दिन वोट का दिन आता है सब, जो आपने पहले जवाब में कहा था कि सबकी अपनी एक एक विचारधारा, एक एक सोच, एक एक वो चीजें होती है, और मुद्दे धीरे धीरे बंटने लगते हैं। युवा शक्ति एकजुट रहे किसी एक मुद्दे पर, किसी एक चीज पर, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, पेपर शिक्षा के महंगे होने की बात हो, रोजगार की बात हो, वो एकजुटता क्यों नहीं बनी रहती? कई बार टूटते आप लोगों ने भी देखा होगा, आपस में देखा होगा। नहीं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है, इस देश में धीरे धीरे राष्ट्रवाद के साथ पूंजीवाद भी चल रहा है। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि राष्ट्रवाद पूंजीवाद एक साथ चल ही नहीं सकते थे, लेकिन इस समय चल रहा है, राष्ट्रवाद के साथ पूंजीवाद भी चल रहा है। आप देखिए किस तरह से पूंजीवादियों के परिवारों को राजनीति में संरक्षण देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो राजनीति की पहली नर्सरी होती थी, आपने बहुत अच्छी बात की, कहा इकट्ठा क्यों नहीं है? पहले कहते थे छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, आपने तुम्हारी वो शक्ति खत्म कर दी ना। 2016 के बाद से गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ, यही कमोबेश स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में है, समूचे देश में है। तो जब आप हमारा इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जो लोग आज बहुत बड़े विश्वगुरु बन रहे हैं, चाहे जो बहुत बड़े नेता बन रहे हैं, वो विश्व के नेता बन, ग्लोबल लीडर बनने की जो क्षमता रखते हैं, अपने आप को दिखावा कर रहे हैं, यदि हर 5 साल बाद चुनाव नहीं होता तो क्या वो विश्वगुरु होते? क्या वो विश्व के नेता बन पाते? आप हम विद्यार्थियों को बस पढ़ाइए, आप हमारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करा दीजिए, बस हमको पढ़ाइए, हमारी परीक्षा ही ना लीजिए, तो क्या मैं पढ़ूंगा? जो छात्र नेता है, जो अपने पॉकेट मनी से, छात्र नेताओं को सैलरी नहीं होती है, अपने पॉकेट मनी से, अपने माँ बाप से झूठ बोल करके, दोस्तों से चंदा इकट्ठा करके, अपने सीनियरों से पैसा लेकर के राजनीति करता है, बच्चों की मदद करता है, उसकी पीड़ा आप समझिए। आज क्या है, कोई धन्ना सेठ का लड़का है, फॉर्चुनर लेके उतरेगा, विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है, सड़क पर 12 बजे दोपहर में सड़क पर बैठ जाता है, किसी एसी कमरे में रहने वाले का लड़का नहीं बैठ पाएगा। लेकिन आज क्या हमको कमजोर करने तो छात्र संघ बंद किया गया है? तो ये तो सरकार की सोची समझी एक साजिश है,
कि छात्र संघ चुनाव खत्म कराया जाए, जो लड़के यूनाइट हो जाते हैं किसी मुद्दे पर। अगर छात्र संघ हो रहा होता तो आप बताइए यूपीपी में पेपर लीक जैसा मुद्दा हुआ, क्या ये शहर शांत रहा होता? शहर में बवाल मच गया होता। 50 लाख छात्रों से आपने फॉर्म डलवाया था और उन बच्चों से फार्म का पैसा आपने लिया, रोडवेज की यात्रा की उसका पैसा आपने लिया, रेलवे की यात्रा की ये बच्चे आपने उसका पैसा लिया, और अंतिम में क्या हो, पेपर आप लीक करा दिए। चाहे नलकूप की परीक्षा रही हो, आरओ की परीक्षा रही हो, एसआई की परीक्षा रही हो, शिक्षक भर्ती का मामला रहा, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लखनऊ के इको गार्डन में लगातार कई साल से बच्चे धरना कर रहे हैं। तो वाजिब तरीके से एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।